hello students and my dear friends i am dr shalini shukla and today is 19th of may 2020 tuesday so let's start with business standard daily news analysis this analysis is suitable for these viewers and inspiration of the day is success is simple do what is right the right way at the right time in today's discussion we are going to cover these articles so let's start with article number 1 cm scrambles to start up बट गार्ड बॉर्डर्स जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट ने आ, अपने लास्ट अनाउंसमेंट में लॉकडाउन 4.0 में स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रीन लाइट दे दी है कि वो अपने अकॉर्डिंग लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर सकती हैं और अपने अकॉर्डिंग लॉकडाउन के सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स कर सकती हैं तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस लिए हैं बट मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट वॉन्ट टू स्टार्ट इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं चाहे वो डेली गवर्नमेंट हो चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो यूपी हो दे डू नॉट वॉन्ट टू ओपन देयर बॉर्डर्स Uh, क्यों क्योंकि सबको पता है और अब जो कोविड नाइन्टीन के पॉजिटिव केस हैं इंडिया में वो एक लाख का नंबर टच करने वाले हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स डू नॉट वांट टू इंक्रीज द कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव केसेस इन देयर ओन स्टेट बिकॉज ऑफ द इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट तो बहुत सारे स्टेट्स ने जो है वो अपने ट्रे जो बॉर्डर्स हैं उनको सील कर दिया आप न्यूज़ पे भी सुन रहे होंगे माइग्रेंट्स वर्कर्स को भी बॉर्डर क्रॉस करने के लिए मना कर दिया गया और बॉर्डर पर ही रोक लिया गया हालांकि कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने कुछ अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शंस डिवाइस किए हैं अगर हम डेली की बात करें तो डेली के जो सी एम हैं उन्होंने कहा है कि और इवन डेज पर हम जो है वो बसेस को चला सकते हैं शॉप्स को ओपन कर सकते हैं सो इससे क्या होगा इससे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स भी फॉलो होंगे डेली uh, गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनको फुल कैपेसिटी से ओपन किया जाना चाहिए और उन्हें अलाउ करना चाहिए वहाँ की जो एम्प्लॉज हैं दे यूज देयर प्राइवेट व्हीकल इंस्टेट ऑफ कैब्स एंड ई रिक्शा हालांकि कैब्स और ई e रिक्शा को भी ओपन या ऑपरेट करने के लिए डेली गवर्नमेंट इज मोलिंग ओवर बट लेकिन डेली गवर्नमेंट ने भी अपने बॉर्डर जो हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा से क्लोज ही रखे हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में और केवल उन्हीं को बॉर्डर क्रॉस करने के लिए परमिशन दी जा रही है जिनके पास ई e पास अवेलेबल है यही यूपी में भी है यूपी के में भी जो हमारे सी एम है उन्होंने भी इंटर स्टेट और इंटर स्टेट ट्रैवल को परमिट नहीं किया है अभी तक के लिए और केवल वही लोग नोएडा बॉर्डर में क्रॉस कर पा रहे हैं या नोएडा में एंटर कर पा रहे हैं जिनके पास ई e पास अवेलेबल है आ, इस बॉर्डर जो क्लोज कर दिया गया है सील कर दिया गया इससे बहुत सारे इवेंट डेली में एन इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है ऐसे एम्प्लॉयज़ को जो कि बेसिकली गुड़गांव या मानेसर में काम करते हैं और डेली में रहते हैं तो उनको लंबी लंबी क्यूज जो है वो उसका फेस करना पड़ा इन ऑर्डर टू क्रॉस द बॉर्डर एंड गो टू देयर वर्क प्लेस अगर हम बहुत कॉमन uh, रेस्ट्रिक्शंस की बात करें कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट डेली कर्नाटका केरला वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र ने क्या क्या डिसीजनस लिए हैं तो ये सारे जो की uh, पॉइंट्स हैं इसको आप देख सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने प्राइवेट पब्लिक बसेस विद 20 पैसेंजर्स अलाउ कर दिया है प्राइवेट ऑफिसेज विद 100 परसेंट स्टाफ कैपेसिटी अलाउ कर के दी है शॉप्स को और इवेंट डेज पर ओपन करने की परमिशन दी है कर्नाटका ने कर्फ्यू ऑन सन्डे संडे को कर्फ्यू इन्फोज कर दिया पार्कस ओपन फॉर टू आवर्स जो पार्कस हैं पब्लिक uh, पार्क उनको दो घंटे के लिए मॉर्निंग में फॉर मॉर्निंग और इवनिंग ओपन कर दिया है केरला ने बार्स एंड क्लब्स भी ओपन कर दिए हैं बट नंबर्स ऑफ कस्टमर शुड बी लिमिटेड टू फाइव इसी तरह से वेस्ट बंगाल ने सिलॉन्स भी ओपन कर दिए हैं शॉप्स को ओपन कर दिया है और महाराष्ट्र वो टेक एडवांटेज ऑफ सेंटर्स ऑफर्स ऑफ रिलेक्सेशन और लेटर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है बट ऐसा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे जो स्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको ओपन कर देंगे आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर

मार्केट है अल्टीमेटली इवेंचुअली ड्रॉप कर गया क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स मार्केट एक्सपर्ट्स वो ये कह रहे हैं कि ये जो पैकेज है एक्चुअली ये पैकेज डिमांड को बूस्ट नहीं करेगा ठीक है क्रेडिट गारंटी देने से आ, क्या होगा कि आपने जो पेमेंट है वो आपने डिफर कर दिया है फ्यूचर के लिए बट अगर हम सप्लाई इंक्रीज़ भी करते हैं अपार्ट फ्रॉम और लेबर शॉर्टेज एंड सप्लाई चेन डिस्टप्शन तो उस चीज़ की क्या गारंटी होगी एम एस एम एस अगर अपनी प्रोडक्शन uh, स्टार्ट भी करती हैं तो उस चीज़ की क्या गारंटी होगी कि डिमांड होगी उनके प्रोडक्ट्स की क्यों डिमांड नहीं होगी क्योंकि क्यों जो कंज्यूमर है वो बहुत कॉशियसली अब बाइंग करेंगे क्यों बाइंग करेंग करेंगे क्योंकि क्यों बिकॉज क्यों? उनकी जो जॉब है वो सिक्योर नहीं है बहुत सारे केसेस में हमने देखा है जैसे कि स्विगी ने भी कल अपना जो है वो ले ऑफ किया है जोमेटो का ले ऑफ हमने देखा था आज की न्यूज में है कि रेलवे जो है है, है वो भी पर जा रही है। Uber कर रही ऑलरेडी कर ग्लोबल लेवल पे तीन से चार हजार इंप्लॉय का तो जो अब कंज्यूमर है फेयरफुल फियरफुल उनकी जॉब फ्यूचर में रहेगी कि नहीं रहेगी सो so, अपनी वो डिमांड जो है वो जो होगी स्पेशली नॉन इसेंशियल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा पिक नहीं करने वाली जब तक कि कंज्यूमर को ये श्योरिटी ना रहे कि उसकी जॉब जो है वो सिक्योर है मनी फ्लो फ्यूचर में बना रहेगा अनसर्टेनिटी है।, है मार्केट में इसीलिए जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वो और जो कंज्यूमर है उन्होंने इस पैकेज से जो जो रिलीफ पैकेज आया है इससे उन्हें बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट्स उनमें डेवलप नहीं हुए अगर हम बात करें सेंसेक्स तो कल सेंसेक्स जो है वो थ्री पर ड्रॉप द्रौ, होकर बंद हुआ है निफ्टी ने भी थ्री का ही ड्रॉप कल देखा है तो और ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये ड्रॉप है ये अप्रैल एट से लेकर के अब तक का सबसे लोएस्ट ड्रॉप है अप्रैल एट के बाद इतना बड़ा ड्रॉप नहीं हुआ जिससे कि अप्रोक्सीमेटली थ्री पॉइंट ट्रिलियन का इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ है जो कल मंडे में जो शेयर मार्केट क्रैश किया है एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि आँग... ये जो इकोनॉमिक पैकेज आया है इसे इमीडिएटली तो कोई भी इकोनॉमी बूस्ट नहीं होने वाली जो आपने क्रेडिट जो दिया है वो क्रेडिट आपको मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा फॉर कैपिटल क्रिएशन और फॉर जॉब क्रिएशन बट शॉर्ट टर्म में इसने कोई डिमांड बूस्ट नहीं करी है जैसे कि इकोनॉमिक रिवाइवल के साइन नहीं दिख रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन एंड राइजिंग नंबर ऑफ कोविड नाइन्टीन केसेज़ हैज़ ऑल्सो एडेड टू इन्वेस्टर्स वो अब जो लॉकडाउन फोर पॉइंट ज़ीरो आ गया उससे भी और जो कोविड नाइन्टीन के केसेज बढ़ रहे हैं उससे भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉशस हैं और वो शेयर मार्केट जो है वो भी बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं कर रहा है इसी जो है आ, ये ड्रॉप देखा गया है जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भई जो गवर्नमेंट ने ट्वेंटी ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस किया है और उसको बताया है कि ये दस परसेंट टेन परसेंट ऑफ जीडीपी है ये एक्चुअली अगर हम फिजिकल इम्पैक्ट को देखें तो ये एक्चुअली वन परसेंट ऑफ जीडीपी गवर्नमेंट पर लोड देगा मतलब इसका फ़िजिकल इम्पैक्ट अगर हम देखें जितना आ रहा है तो उसके हिसाब से ये जो एक्चुअल मार्केट में मनी इन्फ्यूज़ होगा या जो इससे इम्पैक्ट जो गवर्नमेंट की फिजिकल उस पर पड़ेगा कॉफर पर पड़ेगा वो सिर्फ वन परसेंट मतलब गवर्नमेंट को वन परसेंट ऑफ जीडीपी ही एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा बाकी नाइनटीन परसेंट जो था वो रीपैकेजिंग है या वो क्रेडिट के फॉर्म में दिया है जो कि आगे जाकर गवर्नमेंट को वापस से रिम्बर्स हो जाएगा इवन इफ द लॉकडाउन इज लिफ्टेड टूमोरो वेयर इज डिमांड इज गोइंग टू कम फ्रॉम जो एक्सपर्ट्स uh, हैं वो कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट ने कल भी अगर गवर्नमेंट इमिडिएटली लॉकडाउन को कब कर भी लेते तो डिमांड नहीं आएगी क्योंकि डिमांड क्यों नहीं आएगी क्योंकि, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी है ही नहीं कई सारे जो एम्प्लॉइज हैं उनकी जॉब चली गई है सेंट्र सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत सारे अलाउंसेस को कट कर दिया है रेलवे भी भी जो है वो भी रिट्रेंचमेंट करने वाली हायरिंग्स को रोकने वाली है जो नई हायरिंग्स होने वाली थी बहुत सारी कंपनीज से उनको पोस्टपोन कर जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आई एम बैंगलोर और अहमदाबाद जैसे जो कैंडिडेट्स हैं जिनको जॉब ऑफ़र मिले थे उनके जॉब ऑफर कंपनी ने होल्ड कर दिए फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम तो इस इस तरह से इस इन सब रीज़न्स की वजह से कंज्यूमर के हाथ में मनी है ही नहीं और जो मनी है भी वो उसने उसको अनसर्टेनिटी के लिए सेव करके रखा है क्योंकि इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल अनसर्टेन सिचुएशन में है तो डिमांड जब क्रिएट होगी नहीं तो मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा नहीं करेगा नहीं इसीलिए सेंसेक्स और निफ्टी में दोनों में कल 3.4 परसेंट का फॉल देखा गया बीच में इतना फॉल क्यों नहीं आया था जब पाँच दिन तक गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर रही थी क्योंकि इन्वेस्टर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगले दिन नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे ऐसा कोई मेजर या ऐसा कोई अनाउंसमेंट आएगा जिससे कि एक्चुअली में डिमांड बूस्ट करेगी बट ऐसा नहीं हुआ इसीलिए कल संडे के अनाउंसमेंट के बाद मंडे को मार्केट जो है वो फॉल करके 3.4 परसेंट पर फॉल किया है अगर हम ग्लोबल इंडिया अगर हम बात करें फाइव निफ्टी लूजर्स तो ये फ़ाइव निफ्टी लूजर्स हैं इंडसलैंड बैंक जी अल्ट्राटेक एक्सेस ये सारे ने सब ने लूज़ किया है सबसे सब ज़्यादा इंडस बैंक ने दैट इज़ माइनस टेन परसेंट का इसमें चेंज आया है और अगर हम बात करें ग्लोबल इंडाइसिस की वर्ल्ड इंडाज की तो डाउ एंड जोन सब चाहे एस एन पी हो यूरो हो सब ने ही पॉजिटिव ट्रेंड थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड शो किया बट इंडिया में वो पॉजिटिव ट्रेंड्स नहीं देखने को मिला है मार्केट कैप का जो नुकसान हुआ है वो वन वन नाइन पॉइंट जीरो वन ट्रिलियन डॉलर का कल नुकसान हुआ मार्केट कैप को अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर थ्री गिवन ऑन पेज नंबर थ्री ग्लोबल मोबाइल फॉर्म्स वॉन्स कर््स मेक इंडिया अनअट्रैक्टिव हम बहुत बार से ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे मेजर्स ले रही है स्पेशली उन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए उस एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए जो कि चाइना में थी और जो चाइना को छोड़ करके अदर डेस्टिनेशन को सर्च कर रही हैं जिसमें जो पहला इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया था वो क्या था गवर्नमेंट ने कहा था कि लगजमबर्ग के एरिया के एक और से भी बड़ा जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो सेट किया जाएगा दूसरा गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया था दूसरा गवर्नमेंट ने प्र, प्रोडक्शन लिंक्ड या प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव पी स्कीम एक रेगुलेट करी बनाई या इंप्लीमेंट करी या उससे उसको कहा कि भाई अगर आप हमारे आओगे तो हम आपको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इन, स्कीम के तहत तो आपको ये पर पर्टिकुलर बेनिफिट्स जो है वो इंडस्ट्री या जो कंपनी जो आएगी उसको मिलेगा इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया गवर्नमेंट ने टैक्स हॉलीडेज भी डिसाइड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो करेगा उसको उतने ज़्यादा दिन के लिए टैक्स हॉलीडे मिलेगा तो ये बेसिकली तीन चेंजेस जो थे वो गवर्नमेंट ने लिए थे अब क्या है जो बेसिकली जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उन्होंने जब प्रोडक्शन लिंक् या प्रोडक्टिविटी लिंक्ड पी स्कीम को देखा तो उसमें कुछ ऐसे क्लॉज थे उस क्लॉज के अकॉर्डिंग उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इंडिया में वो बढ़ रहा है तो कंपनीज़ ने गवर्नमेंट से कहा है इस्पेशली ऐसी कंपनीज़ ने अगर हम बात करें एप्पल ने सैमसंग ने कि अगर वो चाइना छोड़कर के इंडिया आएंगी इन कंडीशंस पर इन शर्तों पर तो उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ेगी और अगर उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो देयर आर रेयर चांसेस कि वो इंडिया आना चाहें या वो इंडिया में अपना सेटअप करेंगी ठीक है आप देख लेते हैं ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसको लेकर के ये जो बेसिक uh, जो कंपनीज हैं एप्पल सैमसंग ये कॉशियस हैं रीज़न ये है द ग्लोबल मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैव मेड इट क्लियर टू द गवर्नमेंट दैट दे कैन नॉट शिफ्ट प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम मार्केट लाइक चाइना टू इंडिया और क्रिएट एंड एक्सपोर्ट हब इफ गवर्नमेंट गोज विद द प्रपोजल टू कंसीडर ओनली फोर्टी परसेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ इंपोर्टेड सेकेंड हैंड मशीन्स फॉर डिटरमाइनिंग द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी टू बी एलिजिबल फॉर द स्कीम एक्चुअली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ इन्वेस्टमेंट लिमिट लगा दी है अगर कोई भी कंपनी इंडिया आ रही है तो उसको पीएलआई स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं वो तभी मिलेंगे जब वो मिनिमम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट है वन थाउजेंड करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाले चार सालों में अगर वो करेंगी तो ही उन सारी कंपनीज को पीएलआई स्कीम के तहत जो है वो बेनिफिट मिलेगा यहाँ तक तो बात ठीक थी कि हज़ार का हज़ार थाउजेंड करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगी तो उनको बेनिफिट मिलेगा बट प्रॉब्लम uh, uh, जो कंपनीज उनको यहाँ पर आ रही है कि जो उनका जो सेकेंड हैंड मशीनरी है अगर कंपनीज अपनी सेकेंड हैंड मशीनरीज को ला रही हैं सेटअप करने के लिए फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री तो उन उसकी जो कॉस्ट होगी सेकेंड हैंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट वो केवल फोर्टी परसेंट ही ली जाएगी उसको हंड्रेड परसेंट नहीं लिया जाएगा मतलब अगर मशीन की कॉस्ट सौ uh, करोड़ है तो उस 100 करोड़ को टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा उसका केवल 40 करोड़ ही इन्वेस्टमेंट माना जाएगा तो हजार करोड़ लिमिट जो है वो हर कंपनी को पूरी करनी है तो अगर वो सौ करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है अपनी सेकेंड हैंड मशीनरी के थ्रू और गवर्नमेंट उस सौ करोड़ के इन्वेस्टमेंट को फोर्टी करोड़ काउंट कर रही है तो इसका मतलब उनको सिक्सटी करोड़ का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड अंडर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इन इंसेंटिव स्कीम जिससे कि क्या होगा उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उनकी कॉस्ट बढ़ेगी भाई इनको जो सौ रुपये में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उनका अब उस इन्वेस्टमेंट के लिए उनको एक सौ साठ रुपये लगाने हैं राइट आई यू गेटिंग माई पॉइंट तो वो ये कह है रहे हैं इस अगर हमें एक्स्ट्रा या फोर्सफुल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो इससे हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और जब अगर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है तो फिर हम मार्केट तो फिर हम इंडिया में शिफ्ट क्यों करेंगे हम इंडिया में शिफ्ट इसीलिए हम चाइना में अभी तक इसीलिए थे क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट वहाँ लोअर थी बिकॉज ऑफ द वेरियस बेनिफिट्स एंड वेरियस टैक्स हॉलीडेज अगर वही फैसिलिटी हमको इंडिया में नहीं मिलेगी और इंडिया में आने पर हमारी कॉस्ट बढ़ रही है वाई वे वाई वी शुड इन्वेस्ट इन इंडिया ठीक है तो उनका बेसिक कहना है कि जो हम सेकेंड हैंड मशीनरी ला रहे हैं उसको हमें हंड्रेड उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो हंड्रेड परसेंट काउंट होना चाहिए ना कि फोर्टी परसेंट एक पॉइंट कंपनीज का ये भी है उन्होंने कहा कि हम कोई इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं इंडिया में वी आर जस्ट शिफ्टिंग अवर प्रोडक्शन प्लांट फ्रॉम चाइना टू इंडिया तो अगर आप उसको तो हम कोई जरूरी नहीं कि नया नई मशीनरी या नया प्लांट ही लाएं हम अपना प्लांट शिफ्ट कर रहे हैं कोई इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन नहीं करना है कि हमको नई मशीन लानी है तो जाहिर सी बात अगर हम अपना प्लांट शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें सेकेंड हैंड मशीन ही लानी होगी चाइना से इंडिया शिफ्ट करने के लिए और अगर आप उसको ही इन्वेस्टमेंट में नहीं काउंट करेंगे तो बांग्लादेश या वियतनाम जैसे अदर लुक्रेटिव प्लेसेस भी हैं जहाँ पर कंपनीज एक्चुअली में जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं तो ये जो ग्लोबल मेजर प्लेयर्स हैं उन्होंने इंडिया की गवर्नमेंट को बोला है कि दिस बिकम दिस क्लॉज ऑफ द अंडर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बिकम अनकम्पिटेटिव कंपेयर टू चाइना एंड वेतनाम चाहे भला की चाहे कि आप उसके अंदर कितने अदर बेनिफिट्स या जो बेनिफिट्स हैं इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन अगर ये क्लॉज है फोर्टी परसेंट का तो ये कंपनीज के लिए प्रॉफिटेबल uh, नहीं है और कंपनीज़ इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी से कहना है कि नाइन्टी नाइन्टी सेवन परसेंट जो हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है वो एक्चुअली हमारी मशीन होती है राइट और आप हमारी जो सेकेंड हैंड मशीन है उसी को फोर्टी परसेंट कंसीडर कर रहे हैं तो बाकी इन्वेस्टमेंट हम एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आप सबसे कराएंगे दैट विल बी सिक्स थाउजें सिक्स हंड्रेड करोड़ का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट तो उससे क्या होगा हमारी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो बढ़ेगी कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन बढ़ेगी जिससे हमारे अल्टीमेट प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी और अगर आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जनरेट करता है अगर हम इनोवेशन और कॉस्ट की बात करें कि डोमेस्टिक मार्केट में इनोवेशन बहुत अच्छे से काम करता है दो तरह के बेसिकली अगर हम बात करें तीन तरह की स्ट्रैटी होती हैं एक होती है कॉस्ट लीडरशिप एक होती है इनोवेशन और डिफ्रेंसिएशन और एक होती है फोकस तो इंटरनेशनल मार्केट में बेसिकली जो कंपनीज ऑपरेट तो करती हैं या कॉम्पिट तो करती हैं वो सिर्फ कॉस्ट के बेसिस से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करती हैं इसीलिए जो मैक्सिमम गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने एक्सपोर्टर्स को बहुत सारे कॉस्ट रिबेट या एक्सपोर्ट रिबेट्स प्रोवाइड करती हैं ताकि उनका जो कॉस्ट जो एक्सपोर्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता रहे और कॉम्पिटेटिव बना रहे जैसे कि कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़े हालांकि वो अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हम उसको वहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो कंपनी ने बेसिकली बोला नाइन्टी जो कॉस्ट है वो हमारी मशीनरी की कॉस्ट है उसको आप फोर्टी ट्रीट करेंगे आप हमसे एडिशनल हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और अगर हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो हमारे लिए ये जो पी स्कीम है ये बहुत ज्यादा लुक्रेटिव नहीं है एक और क्लॉज है जिसके लिए जो जो ग्लोबल कंपनीज है वो है, वो हैं क्लॉज क्या द सेकेंड कंडीशन फॉर अवेलिंग द स्कीम इज दैट ग्लोबल कंपनीज कैन एक्सपोर्ट ओनली डिवाइस हुज प्राइस इज अब दैन डॉलर टू हंड्रेड एंड ऑल्सो मेक इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ मिनिमम फोर थाउजेंड करोड़ इन फर्स्ट ईयर एंड गोइंग अप टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ इन फिफ्थ ईयर केवल उन्हीं जो कंपनीज हैं उनको ही बेनिफिट मिलेगा जिनका फर्स्ट ईयर में फोर थाउजेंड करोड़ का का एक्सपोर्ट होगा और पाँचवें साल तक जो पच्चीस हज़ार करोड़ तक अपना एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे केवल उन्हीं को पी एल आई स्कीम के बेनिफिट्स मिलेंगे और जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है वो केवल एक्सपोर्ट किस चीज़ से कर पाएंगे केवल उन्हीं उसी डिवाइसेस का एक्सपोर्ट कर पाएंगी जिसकी कॉस्ट दो डॉलर से ऊपर आएगी तो बहुत सारे जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि ऑल दीज कंडीशंस अंडर जो हैं पी में ऑल दीज आर मेकिंग दीज पी एल स्कीम अनअट्रैक्टिव जैसे कि अगर हम एक एक्सपर्ट की लाइन पढ़े तो उसने कहा वी आर नॉट अंडरटेकिंग इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन इन इंडिया बट मेयरली शिफ्टिंग प्रोडक्शन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर हेजिंग द रिस्क सो वी ऑब्वियसली नीड टू इम्पोर्ट एंड ब्रिंग सेकेंड हैंड मशीन टू एंड गेट हंड्रेड परसेंट ऑफ देयर वैल्यू नॉट मेयरली फोर्टी परसेंट अब जो जिस जो मशीन की वैल्यू ने वहाँ हंड्रेड परसेंट है उनके लिए जिसको अभी काम कर रहा है उसको इंडिया में लाकर उसकी वैल्यू अगर फोर्टी परसेंट हो जा रही है तो वो क्यों लाएंगे राइट right? तो अगर हम इंडिया की मार्केट की बात करें तो इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल में मोबाइल शेयर वो 0.5 परसेंट का है केवल डॉलर टू बिलियन का जिसको इंडियन गवर्नमेंट कितना इंक्रीज करना चाह रही है इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि 2025 तक वो वो शेयर इंडिया का बढ़ के सेवन परसेंट हो जाए अभी तक का जो मेजर चंक है शेयर का वो एक्सपोर्ट का वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है चाइना और वेतनाम मतलब 85 परसेंट जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस जो एक्सपोर्ट होती हैं इंपोर्ट होती हैं उसमें 85 परसेंट जो शेयर है वो वियतनाम और चाइना का है डॉलर वन वन जीरो बिलियन गवर्नमेंट्स टारगेट इन मोबाइल डिवाइसेस एक्सपोर्ट्स बाई टू थाउजेंड द पी एल आई स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प टू रीच दिस टारगेट तो पी स्कीम बेसिकली मोबाइल या मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्री को ही ध्यान में रखते हुए बनाई गई है तो so, गवर्नमेंट अब दो बिलियन से डॉलर दो बिलियन से 110 बिलियन तक पहुंचना चाह रही है 2025 तक तो कंपनीज ये कह रही हैं अगर आप इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो ये बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव होगा हो सकता है कि जो इंडिया का जो सपना है जो ड्रीम है टू मेक इंडिया द प्रोडक्शन हब या मैनुफैक्चरिंग हब वो पूरा ना हो पाए तो so, देखते हैं गवर्नमेंट इस पर क्या टिक लेती है आप देखते हैं आर्टिकल नंबर फोर गिवन ऑन पेज नंबर थी थ्री आर आई एल कोर बिजनेस हिट बाई डिमांड साइड शॉक आर आई एल ने बोला है कि जो उसके बेसिक जो पहले इस कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक के पहले जो उसके कोर बिजनेस है कौन से कोर बिजनेस है रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल ऑयल एंड गैस बिजनेसेस रिटेल बेसिकली नॉन ग्रॉसरी उन वो डिमांड साइड से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं इसीलिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ बार बार आ रही है लिए कह रहा है कि उसकी जो इस समय जो मोस्ट वैल्यूड जो उसकी सब्सिडरी है एस बी वो दैट इज रिलायंस जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज सेड ऑन मंडे दैट डिमांड फॉर इट्स कोर बिजनेस वॉज हिट बिकॉज ऑफ द कोविड 19 पैंडमिक बोथ इन इंडिया एज वेल एज इन ओवरसीज मार्केट द फॉर्म लिस्टेड कोविड नाइन्टीन एज एन इंटरनल रिस्क इन द लेटर टू ऑफर फॉर द प्रपोज राइट इशू जो राइट right इशू करने वाली है राइट्स इशू करने पर जाने वाली है आर आई एल उससे पहले उस, उसके लिए जो उसने लेटर लिखा है उसमें उसने कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक को एज अ इंटरनल रिस्क ट्रीट किया और बोला जिसकी वजह से उसके जो कोर बिजनेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं और आने वाली सिचुएशन में बिज़नेस और ऑपरेशन जो है वो बहुत अनसर्टन है क्योंकि इकोनॉमी जो है वो बहुत अनसर्टन है एक्सपर्ट्स भी ये इस चीज़ को अज्यूम नहीं कर पा रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो या उनमें कंसेंसस नहीं है कि इकोनॉमी किस पेस में ग्रो करेगी कुछ कह रहे हैं कि वो इकोनॉमी शेप में ग्रो करेगी कुछ कह रहे हैं इकॉनॉमी ग्रो ही नहीं करेगी बीफोर अ टू और थ्री इयर्स वो बिल्कुल स्टेगनेंट रहेगी कुछ बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका अपना अपना व्यू है इसीलिए बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी है द लॉकडाउन इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन एडवर्स इफेक्ट In the short term and medium term, on uh, several businesses, including refinery, petrochemical, oil, and gases, as well as in retail, especially in. नॉन ग्रोसरी रेफरिंग टू द पैंडमिक एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द प्रपोज स्ट्राटेजिक ट्रांजेक्शन आर आई एल इन इट्स ऑफर लेटर सेट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड नाइन्टीन ऑन आवर बिजनेस विल डिपेंड ऑन द रेंज ऑफ द फैक्टर्स बहुत सारे अगर अगर हम कहें कि हाँ ठीक है हमारी जो बिजनेस है वो रिवाइव कर जाएगा तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो फैक्टर्स क्या है कि भाई डिमांड कैसे रिवाइव करेगी ठीक है सप्लाई चेन जो डिस्टर्प्शन है उसको कैसे ओवरकम किया जाएगा जो हमारे स्ट्रेटेजिक पेंडिंग स्ट्रेटेजिक ट्रांजेक्शन उनको कैसे रिज्यूम किया जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे तो इस चीज को अपने ऑफर लेटर में बोला है कि इंटरनल रिस्क बिकॉज ऑफ दिस रिस्क अभी आ, इस चीज को कह पाना कि कितना ग्रोथ होगा कितना नहीं ग्रोथ होगा ये हमारे कुछ अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है अगर हम बात करें कि कितना कितना नुकसान हुआ है किस किस सेक्टर आर आई एल का किस किस इंडस्ट्री को तो सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो बेसिकली पेट्रोकेमिकल या रिफाइनरी को आप देख सकते हैं ऑयल एंड गैसेस जो है वो माइनस में गया है। तो ये आप देख सकते हैं बेसिक जो प्रॉफिट रहा है रिफाइनरी पेट्रोकेम ऑयल गैस रिटेल एंड डिजिटल सर्विसेज का आर आई एल का आप देख लेते हैं है, आर्टिकल नंबर फाइव गिवन ऑन पेज नंबर फोर गोल्ड मैन बर्न सी इंडिया जी डी पी श्रिंक फाइव टू सेवन परसेंट इसमें क्या है इसमें बेस इसमें बेसिकली ये बताएगा कि गवर्नमेंट ने जो ट्वेंटी ट्रेंड का पैकेज अनाउंस किया है उसके बाद भी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी जो असट मैनेजमेंट कंपनीज जो कंट्रीज़ को रेट करती हैं उनकी रेटिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं और अगर हम ध्यान से देखें तो किसी भी जो मैनेज असट मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फॉर्म में रेटिंग एजेंसी है उसने किसी ने भी पॉजिटिव चेंज नहीं शो किया है इवन कुछ ने तो नेगेटिव चेंज शो किया कि इस पैकेज के बाद जो गवर्नमेंट जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्शन में जाएगी और कुछ ऐसी जो थी कंपनीज रेटिंग कंपनीज वो अपने प्रीवियस प्रोजेक्शंस पर ही फिक्स्ड हैं तो जो स्टिमुलस पैकेज गवर्नमेंट ने कल अनाउंस किया है Uh, कुछ दिन पहले उससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट हमारी इवन स्टॉक मार्केट में भी नहीं दिखा है और जो क्रेडिट रेटिंग है जो मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स हैं वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिवली इस पर रिएक्ट नहीं कर रही हैं अगर हम बर्न की बात करें यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स हैज एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्शन इन द इंडियन इकोनॉम एट सेवन परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बर्नस टेन या बर्नस टाइम ने बोला है कि सेवन परसेंट तक का कॉन्ट्रैक्शन हम जी डी पी में दिखेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में गोल्ड मैन शेयर ने बोला है फाइव परसेंट का कॉन्ट्रेक्शन होगा ठीक है अगर हम बात करें गोल्ड मैन शेयर्स की तो गोल्ड मैन शेयर्स ने जो है वो अपना एक्सपेक्टेशन रिवाइज़ किया है और हायर और बिगर कॉन्ट्रैक्शन बताया है इवन द पैकेज आफ्टर द पैकेज मतलब अगर पैकेज के बाद उन्होंने उनको वो कॉन्ट्रैक्शन जो था वो या जो प्रोजेक्शन था उसको कम करना चाहिए उन्होंने और प्रोजेक्शन बढ़ा दिया कंपनीज़ ने गोल्ड मैन शेयर्स ने कितना बढ़ा दिया जीरो से रिवाइज़ किया है अपने अर्लियर एस्टिमेट्स को और बोल दिया है कि गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है या इंडियन इकोनॉमी है वो फाइव परसेंट का कॉन्ट्रेक्शन जी में देखेगी ने अपना प्रोजेक्शंस रिटेन किया है, 5 का कि कि उन्होंने बोला है है, है आया ऐसा कोई कोई तो तो कोई कोई नहीं नहीं होगा, होगा। इसका भी उसने अपने को वो है वो 5 पर ही स्टिक रखा केयर ने अपने प्रोजेक्शन जो ग्रोथ रेट बोली है इंडिया की वो वन बोली इस तरह बुफान ने जो बोली है वो अपने बोली ट्वेल्व परसेंट इन फर्स्ट क्वार्टर तो अलग अलग जो अगर आप देखें रेटिंग एजेंसी इन सब के अपने अलग अलग प्रोजेक्शन हैं बट एक चीज़ इन सब में कॉमन है वो क्या कि इतने बड़े फाइनेंशियल या इकोनॉमिक पैकेज के बाद भी इन सारी जो रेटिंग एजेंसी जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फॉर्म्स हैं इनमें से किसी ने भी अपने प्रोजेक्शन को पॉजिटिवली इंक्रीज नहीं किया पॉजिटिवली रिवाइज नहीं किया है क्यों नहीं किया है कि बहुत सारी इवन जो कंटिन्यूसली वही बात है कि जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ये गवर्नमेंट के जितने भी ये जो गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज लाया है ये कोई डिमांड बूस्ट नहीं करेगा शॉर्ट टर्म में तो इमीडिएटली कोई डिमांड बूस्ट नहीं होने वाली और अगर डिमांड बूस्ट नहीं होंगी तो इट इज़ वेरी हार्ड टू रिवाइव द इकोनमी और कुछ जो कंपनीज हैं वो ऐसा भी बोल रही जैसे इकरा ने बोला है कि गवर्नमेंट ने जितने भी रिफॉर्म रिफोमेस्टिक मेजर्स लिए हैं जितना भी जो मनी इन्फ्यूज़ किया है लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की है मार्केट में वो सारे ऑफसेट हो जाएंगे अगर लॉकडाउन को और ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए बढ़ाया गया ठीक है तो जैसे गवर्नमेंट ने अपना लॉकडाउन फोर पॉइंट ओ लिया है फोर पॉइंट जीरो लिया है तो उससे कह रहा है कि जितने भी जो मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं ये सारे मेजर्स ऑफसेट हो जाएंगे अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को फर्दर एक्सटेंड किया तो जितने ट्वेंटी ट्रिलियन के लिए जो मेजर्स लिए गए हैं इनका कोई इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं रह जाएगा हालांकि इन सबको नेगलेक्ट करते हुए गवर्नमेंट ने मे थर्टी पर्स तक जो है वो रिलैक्स वो लॉकडाउन बढ़ा दिया है विद फ्यू रिलैक्सेशंस तो इसका एक्चुअल में इम्पैक्ट क्या होगा वो भी देखना बाकी है द स्टिमुलस पैकेज ऑफ द गवर्नमेंट इज एन लॉस्ट अपॉर्चुनिटी बर्नस्टाइन ने बोला है कि जो स्टिमुलस पैकेज गवर्नमेंट के पास था गवर्नमेंट के लिए वो गवर्नमेंट के लिए अब वो एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो गया मतलब गवर्नमेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी थी डिमांड को रिवाइव करने की इकोनॉमी को रिवाइव करने की बाई डायरेक्टिंग प्रोवाइडिंग बाई डायरेक्टली प्रोवाइडिंग कैश और लिक्विडिटी इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर और इस अपॉर्चुनिटी को इंडियन गवर्नमेंट ने खो दिया खोदिए लॉन्स करता है डिज़ायर टू शो द वर्ल्ड दैट दे केयर अबाउट द इकोनॉमी एंड आर विलिंग टू मैच द ग्लोबल स्टिमुलस नंबर्स वॉज परहैप्स द ड्राइवर बिहाइंड द क्लेम ऑफ अ लार्ज पैकेज वर्न्टेन ने कहा है कि गवर्नमेंट एक्चुअली जो थी वो सिर्फ ये शोकेस करना चाहती थी कि वो के, वो इकोनॉमी के लिए केयर करते हैं और वो अप, अपने आप को ग्लोबल स्टीमला जो जितने भी जो बड़े बड़े पैकेज यूएसए की गवर्नमेंट ने और अदर गवर्नमेंट्स ने दिए तो उससे मैच कराने के लिए अपने आप को कॉम्पिटेटिव दिखाने के लिए कि नहीं हम भी टेन का अनाउंसमेंट कर सकते हैं केवल उसी को ध्यान में रखते हुए ये लार्ज पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था इस पैकेज ने कहीं से भी लोकल इकोनॉमिक कंडीशन्स को ध्यान में नहीं रखा नहीं रखा वाइल्ड द पैकेज started on an important aspects the need to be announced measures that

इम्पैक्टेड रेटिंग एंड करेंसी इफ़ नॉट एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली और अगर अब ये भी कॉशन्स दिए जाने के अगर जितने भी जो भी दिए भी गए हैं जो मेजर्स अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ प्रॉपरली तो ये इंडियन गवर्नमेंट की रेटिंग और करेंसी वैल्यू को भी अफेक्ट करेगा ऐसा जो बर्नस्टीन है उसने कहा है बर्नस्टीन भी एक रेटिंग मैनेजमेंट कंपनी है ओवरऑल द पास्ट फ्यू डेज द गवर्नमेंट हैज सॉट टू इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज ट्रिगर्ड बाय द स्पेंड ऑफ कोविड 19 द गारंटीज फॉर द फ्रेश क्रेडिट टू माइक्रो स्मॉल मीडियम सपोर्टिंग द पुअर एंड माइग्रेंट वाई एक्सपेंडेड एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एंड द प्रोविजन फॉर फूड फॉर पुअर एंड माइग्रेंट गॉट अ थम्स अप फ्रॉम द बर्नस्टीन ठीक है दैट ऑल इज ओके बर्नस्टीन ने कहा कि आपने जो क्रेडिट गारंटी स्कीम दी माइक्रो स्मॉल को दैट इज ओके पुअर माइग्रेंट फूड अवेलेबिलिटी कराई वो भी ओके है गारंटी में जो एक्सपेंशन किया है वो भी ओके है बट आपके इन कुछ मेजर्स की वजह से जो इकॉनॉमी है उस पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है निगेटिव इंपैक्ट कैसे बर्नस टे ने बोला है कि जो मनरेगा स्कीम में जो गवर्नमेंट ने जो एलोकेशन बढ़ाया है उससे क्या होगा उससे लेबर अवेलेबिलिटी जो है शहरों में जो इंडस्ट्रीज के पास वो घटेगी क्यों घटेगी क्यों क्योंकि अब मनरेगा के तहत जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको उनके गांव में उनके नेटिव प्लेस में ही जो है वो अलाउंसेस मिलेगा तो इट विल बी द रेयर चांसेस इट विल बी द रेयर दैट दे रश बैक फॉर देयर जॉब्स क्योंकि अब उनको जो सस्टेनेंस uh, के लिए उनके गांव में ही जब उनको फूड अवेलेबल है और उनको अलाउंसेस मिल रहा है काम मिल रहा है तो वो इस पैंडामिक की सिचुएशन में जबकि उनको पाँच सौ किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा है तो वो वापस से शहरों में जाएँगे इट इज़ वेरी अनलाइकली तो जब इंडस्ट्री के पास लेबर नहीं होंगे लेबर शॉर्टेज होगी तो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाना सप्लाई को इंक्रीज कर पाना विल बी वेरी डिफिकल्ट और जब काम नहीं होगा डिमांड नहीं होगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा देन फर्दर डिमांड नहीं होगी देन फर्दर सप्लाई या प्रोडक्शन की जरूरत नहीं होगी दैट इज अ वेरी विशियस साइकिल जिसको बर्नस्टीन ने बोला है कि आगे आने लड़ाई में यह गवर्नमेंट या इकॉनॉमी इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाली है अगर हम ग्रोथ प्रोजेक्शन देख लें तो यह सारे ग्रोथ प्रोजेक्शन हैं आर्यी ग्रोथ किसने किसने अपना प्रोजेक्शन रिवाइज किया है और किसने किसने नहीं रिवाइज किया बर्नस्टीन ने सेम रखा है गोल्डमैन शेयर्स ने रिवाइज करके और इकोनॉमिक कॉन्ट्रेक्शन शो किया कि आप तो

फ्यूचर अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर गिवन ऑन पेज नंबर इंश्योरेंस टू ने HDFC को बोला है कि आपका जो इंश्योरेंस आर्म्स में जिसमें आपकी जो स्टेक परसेंट से ज्यादा है उस स्टेक को सेल आउट करो बेचो और अपना जो स्टेक है वो फिफ्टी परसेंट से कम करो क्यों क्योंकि एज पर आर बी आई गाइडलाइंस नो बैंकिंग इंडस्ट्री कैन होल्ड मोर दैन फिफ्टी परसेंट ऑफ द इक्विटी शेयर्स और इक्विटी इन एन क्यों नहीं गवर्नमेंट आर चाहती है कि बैंकिंग जो है वो इंश्योरेंस या एन में 50 परसेंट से ज़्यादा का शेयर न रखें ये आर की गाइडलाइन है और क्यों ये गाइडलाइन है क्योंकि आर नहीं चाहती कि, कि बैंक्स जो हैं वो हायर रिस्क की तरफ एक्सपोज हो क्योंकि एन बी एफ सी स्पेशली इन इंश्योरेंस रिस्क जो होता है वो बहुत हायर होता है तो जो आर बी आई है वो नहीं चाहती कि जो बैंक्स हैं वो हायर रिस्क को एक्सपोज़ करें बैंक्स अननेसेसरी इंश्योरेंस या असर मैनेजमेंट या एन बी एफ सी के बिजनेस को ओन करें और उसमें इंटरफेयर करें और Uh, अपने कोर बिज़नेस यानी बैंक का कोर बिजनेस क्या है बैंकिंग उसको छोड़ करके आप एन के बिज़नेस में इंक्रोचमेंट करने लगे इंश्योरेंस के बिजनेस में इंक्रोचमेंट कर लें असद असद मैनेजमेंट में इंक्रोचमेंट कर लें जैसे कि कोर बैंकिंग जो है आपकी वो अफेक्ट हो तो आर ये नहीं चाहते तो आर के क्लियर गाइडलाइंस हैं तो अभी क्या हुआ है एच डी एफ सी ओस मेजोरिटी शेयर इन बोथ एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस एंड एच डी एफ सी जनरल इंश्योरेंस इन दोनों में जो एच डी एफ सी बैंक है उसकी फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा का स्टेक है तो आर बी आई ने डायरेक्शन दिया है एच uh, को कि आप अपने शेयर्स को बेचिए हालांकि बीच में एच डी एफ सी जनरल इंश्योरेंस और एच डी एफ सी हेल्थ इंश्योरेंस का मर्जर हो गया जिससे कि उस मर्जर की वजह से जो एच डी एफ सी है उसका जो शेयर है वो इंक्रीज हो गया फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा तो आर बी आई की एज पर द आर बी आई गाइडलाइंस विद इन सिक्स मंथ एच डी एफ सी इज गोइंग टू सेल एट इट्स स्टेक अब बात करें कितना स्टेक जो है वो एच डी एफ सी सेल करने जा रही है एच डी एफ सी लाइफ में एच डी एफ सी बैंक को वन पॉइंट फोर थ्री परसेंट का शेयर uh, सेल करना है और एच डी एफ सी आई हेल्थ इंश्योरेंस एर्गो में जीरो पॉइंट फाइव परसेंट का स्टेक सेल करना है। ऑन इन ज्वाइंट वेंचर इंश्योरेंस कंपनी शैल नॉर्मली पेड अप कैपिटल आर बी आई नहीं चाहती कि पचास परसेंट से ज्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन हो एनबीएफसी में बैंक्स का इसीलिए आर बी आई ने एच डी एफ सी को डायरेक्शन दिए हैं कि अपना इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन कम करिए ऑन अ सेलेक्टिव बेसिस हाउ एवर कुछ कुछ केसेस में जो आर बी आई है वो हायर इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन या हायर स्टेक या हायर इक्विटी शेयर परमिट कर सकती है कुछ कुछ सर्टेन कंडीशंस में बट वो कंडीशंस यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है बट फिलहाल जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उसमें आर का ये कतई मत नहीं है कि आप बींग अ बैंक आप एम में इंश्योरेंस कंपनीज में आप अपने आ, या असेट मैनेजमेंट कंपनी में अपना इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन पचास परसेंट से ज़्यादा बढ़ाएं क्योंकि इट इज़ अ हायर रिस्क इंडस्ट्री एंड इट इट एक्चुअली डाइवर्ट्स द बैंक फ्रॉम देयर कोर बिजनेस टू अनदर बिजनेस तो जिससे कि हमारी हो सकता है कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो बहुत शैकल कर जाए इसलिए गवर्नमेंट दोनों के फंक्शंस को एक्चुअली सेपरेट रखना चाहती है आप देख लेते हैं कुछ क्लिप्स ऑफिस लाइफ फॉर फ्रॉम नॉर्मल बहुत सारे जो इवन जो रिलैक्सेशन मिल भी गए हैं उसके बाद भी जो एक्सपर्ट्स हैं जो कंपनीज है वो कह रहे हैं कि ऑफिस लाइफ अगर नॉर्मल आ भी जाए अगर आप ओपन कर भी दें हम एम्प्लॉयज़ को बुला लें तो ऑफिस लाइफ जो है वो नॉर्मल आने में बहुत टाइम लगेगा जैसे कि ओप्पो के आज जो आर्ट स्टाफ हैं उनमें कोविड नाइन्टीन के सिम्टम्स पाए गए हैं जिसके जिससे कि ओप्पो के अगेंस्ट एफ आई एफ आई आर तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी से ऑपरेट करने जा रही हैं या जो अपने थर्टी परसेंट कैपेसिटी से ऑपरेट करने जाए डिपेंडिंग ऑन द स्टेट इन विच दे आर ऑपरेटिंग उनके लिए ऑफिस लाइफ को

और ज्यादा इंपैक्ट इकोनॉमी पर पड़ेगा रेलवे में फ्रीज हायरिंग कट अलाउंसेस रेलवे जो है वो हायरिंग को फ्रीज करने वाली है और जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके अनाउंसेस को भी कम करेगी हायरिंग मतलब जो नई हायरिंग होनी थी जो नए एग्जाम्स होने थे उनको फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया है आज का न्यूज़ ऑफ द डे क्या है ग्लोबल मोबाइल फॉर्म्स वॉन कर्प्स मेक इंडिया अनअट्रैक्टिव जिसमें आप पी और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन टैक्स हॉलीडेज के बारे में पढ़ लीजिएगा इंडिया का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है पढ़ लीजिएगा विकैबलरी ऑफ द डे क्या है पेयर पेयर मीन्स टू लिव छोड़ देना जिससे एच डी एफ सी ने आर बी आई ने एच डी एफ सी से कह पेयर करो अपना जो शेयर है वो छोड़ो स्क्रैम्बल्ड मतलब संघर्ष करना कंटेस्ट स्ट्रगल जार कॉन्फ्लिक्ट एंड कंटेंट ऑल दीज आर द सिनोनिम्स दीज आर द डिफरस इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब स्टूडेंट थैंक यू सो मच